बात है कि F3 न्यूज़ चैनल ने एक अवार्ड यहाँ पर रखा है, सोबो अवार्ड सीज़न 1। इस अवार्ड के जरिए F3 न्यूज़ और ख़ास करके हमारे जुनेद साहब जो है F3 न्यूज़ के, उन्होंने इस बात को साबित किया है कि दक्षिण मुंबई के अंदर और दक्षिण मुंबई के बाद भी जहाँ F3 की जहाँ जहाँ तक पहुँच है, पहचान है, लोग देख रहे हैं, उसको अवार्ड देना है उन लोगों को जिन्होंने आउटस्टैंडिंग अपने फील्ड में काम किया है। फिर वो बिजनेस में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, पॉलिटिक्स में हो, ये अपने तरह का एक पहला अवार्ड है जो दिया जा रहा है। ये अवार्ड का सीज़न 1 है, बहुत सारे आगे ऐसे अवार्ड हर साल होते रहेंगे, पर सबसे खुशी की बात है कि इन्होंने पहल की है और जुनैद ने बहुत ही सालों से मेहनत करके एक पोजीशन अपने लिए बनाई है और ये पोजीशन पे आने के बाद में आज इन्होंने अवार्ड की शुरुआत की है। सबसे पहले मैं जुनैद को मुबारकबाद देता हूँ और साथ साथ में जो लोगों को आज अवार्ड मिलने वाले उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। इसमें बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ है, कम्युनिटी की बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ है, इंडस्ट्रीज़ की बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ है और इसके लिए बहुत मेहनत लगती है इस मुकाम पे पहुँचने के लिए। उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और जुनैद भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद, F3 न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद, इनकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद। पहले तो अमीन सर हमारे लोकल मुंबा देवी के MLA है, इनका आना ही हमारे लिए एक बड़ापन है और इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है। चाहे इनके साथ तो मैंने सर के साथ इलेक्शन भी लड़ा है, MLA इलेक्शन, तो सर ने हमेशा सपोर्ट किया है। मतलब एक जो लीडरशिप क्वालिटी होती है इतना इलेक्शन लड़ने के, मतलब इनके साथ अपोज करने के बाद भी इनमें एक लीडरशिप क्वालिटी थी। कहने उन्होंने कहा ठीक है, हर किसी को हिम्मत करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए सबको, ये सब सोशल फील्ड है, पॉलिटिकल फील्ड है, सबको अपना बेस्ट देना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। एक बार हारने से कोई हारता नहीं है, कोई रुकता नहीं है, ज़िंदगी में करते रहो। और आज ये प्रोग्राम देख सकते हो, ये हमारे सब सर है जिन्होंने हमें बैक, मतलब एक पीछे से सपोर्ट करने की कोशिश की है हमेशा। हर चाहे फिर वो किसी को बुलाना हो या अरेंजमेंट में हो, अमीन सर ने हमेशा कहा है कि कुछ भी रहेगा आई एम ऑलवेज देयर। और ये प्रोग्राम में सबसे पहले अमीन भाई आए और इनॉग्रेशन भी अमीन भाई के हाथ से हुआ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं सोच रहा हूँ कि अमीन भाई भी फिर ज्वाइन करेंगे हम लोग को 1-2 घंटे में इंशाल्लाह आने के बाद, है ना सर? थैंक यू वेरी मच। F3 चैनल के एडिटर जुनैद, सो आई होप यू गाइस आर हैविंग मीडिया एंड सोशल मीडिया में अपकमिंग स्टार है, मेरी बेस्ट विशेस उसके साथ में है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है सोशल मीडिया में काम करना, अपने आप को मेन स्ट्रीम में अलाइव रखना। आज बहुत से लोगों को यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम हु हैव गॉट द अवार्ड्स, बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर फर्दर करियर, थैंक यू। पहली बात ऐसी है, F3 न्यूज़ का 3 क्या है, फास्ट, फेयर एंड फियरलेस, बहुत महत्वपूर्ण है। स्लोगन, आजकल स्लोगन बहुत होती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन ये जो उन्होंने प्रिंसिपल तत्व उसको अनुकरण करने का सोचा है कि आगे चलकर हम कैसे होंगे, तो हम न्यूज़ बताएंगे, खबर बताएंगे तो सच बताएंगे और बिना डर से बताएंगे। आजकल वही तो डर पैदा हुआ है देश में, सच्चाई बोलना, सच बोलना, सच खबर बताना, ये सारी चीज़ें आजकल नहीं हो रही है। और इसलिए मैं F3 न्यूज़ को 6 बरस पूर्ण हुई है बहुत मानता हूँ। सोशल मीडिया में इनका नाम है, इनका कारण वही है कि सच्चाई उनकी नींव है और वही कम हुआ आजकल, तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसे फेयरले चलते रहो, डरना नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू, तू कभी हार के, थैंक यू, 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 थैंक यू सर, थैंक यू सर। के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सर हमारे MP है साउथ मुंबई के, हमारे क्षेत्र के ही है, और हमेशा जब भी ऐसा कुछ माहौल रहा जहाँ हम लोग को सर की ज़रूरत थी, नीड थी, या सर के कॉल की ज़रूरत थी, हमेशा सर थे। जैसा अभी ये फंक्शन भी है तो सर को हमने खाली निवेदन दिया कि सर आपको आना है, ये आपके हल्के का फंक्शन है, आपके न्यूज़ का फंक्शन है, आपके एरिया का है। सर ने ज़रा भी उन्हें सोचा और हमने कहा टाइम दीजिए कि मैं टाइम तक आने की कोशिश करूँगा, अपने
टाइट शेड्यूल के बाद और महाराष्ट्र में जैसे पॉलिटिक्स चल रहा है सीनेरियो है, उसके बाद भी सर ने अपना कितनी टाइम निकाला और हमें आए मोटिवेट करने के लिए, मैं इसके लिए सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत अच्छा Mr. Azmi was elected to the Maharashtra Assembly in the year 2009, a position he held for two terms. He ran successfully for the seats of Bhiwandi East and Manpur Shivaji Nagar. As for the regulations restricting various candidates, of a single area, he is elected Manpur Shivaji Nagar. Azmi is the Maharashtra legislator. मेरी तरफ से सारी टीम F3 न्यूज़ की और सोबो अवार्ड्स की इनको शुभकामनाएं। फर्स्ट सीजन है और दुआ करूंगा आपके ऐसे सीजन के सीजन आते रहें और आप कलाकारों को, आर्टिस्ट को और जो लोग भी सोसाइटी के लिए भी अच्छा करते हैं उनको आप सपोर्ट करते रहें और इनकरेज करें। मेरी अगली फिल्म है कंट्रोल, जो कि साइबर क्राइम, जो आप देखते हैं आजकल बहुत मोबाइल पे फ्रॉड हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज हैं साइबर क्राइम के रिलेटेड, तो अगली फिल्म उस पर आ रही है। नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि जो नेशनल मीडिया है आज, वो मीडिया बिल्कुल सच्चाई दिखाता नहीं है, वो मीडिया गवर्नमेंट के फेवर में झूठी न्यूज़ हैं, जो होता नहीं वो दिखाता है। कम से कम आज जो छोटे छोटे चैनल्स निकले हैं, मुझे ऐसे लोग F3 जो इस साउथ बॉम्बे में है इनका बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे चैनल्स के जरिए लोगों को सच्चाई का पता चलेगा और ये सच्चाई लोगों तक जाना ज़रूरी है। आज पोलराइज करने के लिए, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए ऐसी ऐसी झूठी खबरें आती हैं, मैं समझता हूँ, जिससे समाज के अंदर एक बिगाड़ पैदा हो रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ आज जुनेद को, जिन्होंने एक अच्छा फंक्शन किया है। मैं दुआ है कि ये इनका जो है मीडिया आगे बढ़े और एक नेशनल मीडिया बने। Hi guys, I'm so happy to win this award. I was celebrating here after I'm working in the casting director and now I'm finally winning this award. Mr. Khan's unparalleled commitment to discovering and refining talent has not only evaluated the standard of casting but also significantly impacted the success of numerous production. Sir, please come up on stage. To you guys, and receiving this award from these people makes me feel more honored and it gives me more upliftment to do better in this career, and to everyone who are looking at me as an inspiration, it will be good for them as well. So I call up on stage Mr. Mohammed. Is F3 ke news present को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी, क्योंकि आज ये इन्होंने 6 साल कंप्लीट किए हैं और बहुत ही अच्छी शुरुआत है इनकी कि इन्होंने बहुत सारे फील्ड में से लोग चुने हैं उनकी कैटेगरी के हिसाब से और उनको अपने अपने हिसाब से अवार्ड दिए हैं, और एक अवार्ड मिलना कोई अगर काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है वो किसी भी फील्ड में हो, तो उनको अगर कोई अवार्ड मिलता है तो ये बहुत ही बड़ा एप्रिसिएशन होता है और इंस्पिरेशन भी होता है आगे अच्छा काम करने के लिए। तो मैं इसी इनकी सारी टीम को इस सुबह अवार्ड के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। किस दिन मैं भी ऐसा काम करूँ अच्छा कि सुबह अवार्ड मुझे भी मिले, ऐसा मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। बहुत खुशी हुई है और मैं F3 न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं F3 न्यूज़ के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि जब पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में इंडिया बहुत पीछे जा रहा है, हर साल इंडिया का रैंकिंग पीछे गिर रहा है, तो हमें ऐसे F3 न्यूज़ जैसे चैनल चाहिए जो फियरलेस हो, जो बेबाक अपनी बात बोले, और F3 न्यूज़ की पूरी टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जैसे वो फियरलेसली काम करते आ रहे हैं हमेशा, अभी भी ऐसे काम करें, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और जितने भी यहाँ पे एस्टीम गेस्ट आए थे,
उनकी तरफ से भी एफ3 न्यूज़ को हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। मैं एफ3 के जुनैद को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसे और कामयाबी दे। द वे ही इज़ डूइंग इट, आई होप कि ही विल डू मोर वेल। थैंक यू। ये अवार्ड रखने का कोई खास ऐसा मकसद नहीं था। एक्चुअली हमारा एफ3 न्यूज़ को पूरे 6 साल हो गए थे, तो हम लोग इसको सेलिब्रेट करने का एक रीज़न ढूंढ रहे थे कि कैसा सेलिब्रेट करना है। तो हम लोगों ने एक आइडिया सोचा, क्या ऐसे ही खाली सेलिब्रेट करके 6 ईयर मज़ा नहीं आएगी, कुछ यूनिक करते हैं। तो सोबो अवार्ड्स नाम एक हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग साउथ मुंबई से रिसाइड करते हैं, तो सोबो अवार्ड्स इसको नाम दिया जाए। तो साउथ मुंबई सोबो अवार्ड्स 2000 मतलब सीज़न 1 करके इसको हम लोगों ने लाया। इवेंट देखा, आप देख सकते हो जैसे हमारे सब जो भी इन्वाइटेड थे बहुत मैक्सिमम लोग आए, कुछ लोग नहीं आ पाए होंगे कुछ ट्रैफिक की वजह से या दूसरे कमिटमेंट की वजह से, पर काफ़ी लोग आए। मैं हर वो इंसान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये अवार्ड को ये इवेंट को सक्सेस करने के लिए मेरे लिए मेहनत की है, मेरे लिए पीछे सपोर्ट रहा है, मेरे मोहसिन भाई मेरे जो दोस्त जिन्होंने मेरे बोलने पे बहुत सारी मेरी हेल्प की है, बैक द डोर आफ्ताब मेमन भाई जो मेरे खास भाई है खास करीबी दोस्त है, उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे लिए। और दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शहजाद अबरानी भाई का जिन्होंने मेरे लिए एकदम पिलर बन के खड़ा रहा जब ये इवेंट मुझे करना था, और आसमा टीचर का जो एक एडुकेयर ट्रस्ट की प्रिंसिपल है, और आप तमाम लोगों का जो अपना कीमती वक्त निकल के ये आए हमारे लिए साथ दिया, इसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और देखते हैं इंशाल्लाह वक्त रहा तो सीज़न 2 की तैयारी रहेगी। आप सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखो कोई भी चीज़ करने के लिए ना एक तो उसमें टाइम और है ना मेहनत बहुत लगती है, पर वो चीज़ें आसान हो जाती है अगर आपके पास अच्छी टीम होगी, अच्छे लोग होंगे साथ में। तो ये चीज़ मैंने अकेले ने नहीं किया, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने अकेले ने किया, इसमें बहुत लोग थे पर बहुत लोग अंडर कवर थे, किसी को सामने नहीं आना था। बच्चा ऐसा मीडिया का थोड़ा हुआ है कि एफ3 न्यूज़ एक मीडिया चैनल है, तो कोई खुल के सपोर्ट नहीं किया मुझे, पर बैक द डोर मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, मेरे लिए पिलर थे। और जहाँ तक इन्वाइटीज़ का ताल्लुकात है तो साउथ मुंबई में जैसा मैं बेस हूँ, हम लोग को 6 ईयर्स हो गए, तो बहुत अच्छे रिलेशन है सबसे पॉलिटिकल पार्टी से, ऐसा कोई पर्टिकुलर पार्टी की ज़रूरत नहीं है, चाहे फिर कोई भी पार्टी हो कोई भी लीडर हो बहुत अच्छे ताल्लुकात है सबसे। सेलिब्रिटी की बात है तो वो PR टीम से भी बहुत अच्छे रिलेशन है, तो उनके लिए हमारे लिए सब लोग आ गए, और बाकी बिजनेस लॉबी डेवलपर लॉबी तो मैं यहाँ का बेस हूँ तो थोड़े बहुत ताल्लुकात की वजह से आ गए, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। देखो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मैं अपने मुँह से क्या ही अपनी तारीफ करूँ, पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा क्या जिस लोगों ने इसको बनाने के लिए इवेंट करने के लिए एक दिन की मेहनत नहीं थी, इसके पीछे करीब 1 महीना लगा है, उन सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हाँ जहाँ तक रिव्यू की बात आएंगी लोगों से मुझे पता चलेगा, तो डेफिनेटली इससे बड़ा इवेंट करेंगे और इससे बड़े पैमाने पे करेंगे। और ये इवेंट की सब में बड़ी बात ही आपको मैं बता दूँ, इसमें कोई स्पॉन्सर नहीं था, कोई स्पॉन्सर आप कोई बैनर नहीं देखोगे या क्या किसी ने स्पॉन्सर किया इवेंट को, ये सिर्फ एफ3 न्यूज़ का इवेंट था और एफ3 न्यूज़ की तरफ से था। थैंक यू।